Abu Dhabi T10, digital sponsor Fair Play, greater odds, greater winnings, digital associate sponsor Bauer, engineered for fitness. जी हाँ, एक और मजेदार मुकाबला होने की पूरी संभावनाएं हैं। बढ़िया क्रिकेट खेल के दिखाया है टीम अबू धाबी ने और द चेन्नई ब्रेव्स हर हाल में यह मुकाबला जीतने को होंगी बेकरार। रवि बोपारा हैं स्ट्राइक पे और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे फिडेल एडवर्ड्स। तो यह रही पहली गेंद इस मुकाबले की। और ये पहला रन, क्या खूबसूरत शॉट है भाई। अब तो ये तीसरे अंपायर के पास जाना पड़ेगा। आला शॉट और ये ऐसे लग रहा है कि शायद हाथ जो है वो बाउंड्री के साथ टकराया है। तो चार रन मिलेंगे रवि बोपारा को और वो शॉट इतना खूबसूरत था कि चार ही बनते थे। ये देखिए शॉट जरा कहां जा रही है, ऐसा लगा जैसे मानो थोड़ा सा मिस टाइम किया हो, लेकिन गेंदबाज की गति भी तो है ना। तो बॉल हवा में और बहुत ही दूर गया, इसमें बैट्समैन का कमाल तो था लेकिन फिडेल एडवर्ड्स की जो पेस थी उसकी वजह से भी ये 6 रन हुए। ये देखिए फिर एक बार फिर रफ्तार के साथ गेंद चली जाती है 19 बिना नुकसान। चार और अब जगह बनाई। यह कलात्मक शॉट है, इससे पता चलता है कि किस दर्जे का यह बल्लेबाज है। और शुरुआत लाजवाब, अपने आप को जगह दी थी बोपारा ने लेकिन इतना तेज बॉल निकल गया कि अब ये बल्ला आया ही नहीं था। बोपारा बोल्ड हो गए और 14 बनाए रवि बोपारा ने 28 पे एक। और ये शॉट जो है सीधा खिलाड़ी के पास, तब जूते का या पांव का कुछ हिस्सा चाहे जमीन पे चाहे हवा पे लाइन के पीछे होना चाहिए, तो इसलिए ये तो निश्चित तौर पे नो बॉल है। और क्योंकि नो बॉल है, एक तो राजा पक्षा वापस आएंगे, दूसरी बात ये है कि उनको फ्री हिट भी मिलेगी। फायदा ये मिला जो पहले नहीं कर पाए थे, वो फ्री हिट में फायदा उठाया। अब नहीं रुकेंगे ये, अब रुकना चाहिए भी नहीं भाई, किस्मत आपके साथ है। और मिड ऑफ के ऊपर से ये बड़ा शॉट दे मारा है इन्होंने 46 पे एक 3 के बाद। चलिए वहां फील्डर जो है वो बाहर से गेंद उठाने के लिए ही है और सिर्फ हल्का सा इसे फ्लिक ही किया था और बॉल 6 रन के लिए। जीवा राजा पक्षा उंदा चौका। चलिए और रन मिलेंगे और इस बाउंड्री के साथ तो अपना अर्धशतक भी पूरा करा राजा पक्षा ने, शानदार अर्धशतक अपनी टीम के लिए। जी बिल्कुल, और लगातार 50 रन राजा पक्षा ने बनाए हैं, कल भी 50 रन बनाए थे और अभी भी 50 रन पर खेल रहे हैं, नॉट आउट। यहां तो बाउंड्री आ गई, अब देखना ये मैच कौन जीतेगा। 91 पे एक, सर के ऊपर से पसंदीदा शॉट भी है परेरा का और सबसे सुरक्षित भी। ये बॉल एकदम खड़ी हो गई है कप्तान, और क्या कैच लिया है कप्तान लिविंगसन ने, वाह। और ये
सल्यूट भी ले लो। आप देखें किस तरह से उन्होंने स्लाइड किया और स्लाइड करने से उनकी जो रफ्तार है वो थोड़ी सी और बेहतर हो गई। 97 पे 2 राजापक्सा की पारी यहां समाप्त हुई। ये तो फ्री हिट मिलेगा आपको, निश्चित तौर पे नो बॉल है ये। चार, रुकना चाहिए था। 112 पे 2 स्कोर और छक्का, वाह शरका, वाह क्या शॉट मारा है। 4, फील्डर अंदर है घेरे के, दिशा पर नियंत्रण रख नहीं पाए। 130 रन बोर्ड पे लग गए, 130 का आंकड़ा किया पार। 10 ओवर के बाद 131 पे 2 द चेन्नई ब्रेव्स। टॉस जीता था टीम अबू धाबी ने और चेन्नई ब्रेव्स ने अपने 10 ओवर में 131 रन इस तरह से लगाए। राजापक्सा की तारीफ करनी होगी, अर्धशतक जड़ा और परेरा और शाना का नॉट आउट रहे दोनों, 32 और 23 रन बना के। धनंजय को नया बॉल दिया है और धनंजय अक्षण और 132 बनाने हैं 10 ओवरों में और पहले बॉल का सामना सॉल्ट करेंगे। इनसाइड एज लगी फाइन लेग की तरफ और मिस फील्डिंग, लेकिन बाउंड्री तक बॉल ना पहुंची, 2 रन होंगे। और आप जो देख रहे हैं ऐसे शॉट मारने को मिलते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो ड्यू है और फिर घास की कवरेज बहुत ही आला है, इसलिए बल्लेबाज आराम से बल्ला घुमा सकते हैं। बाहरी किनारा, ये थर्ड मैन के पास चली जाएगी, 4 रन। और बॉल लेग साइड पे उठा के खेला, फ्लैट छक्का, कटर डाला उन्होंने, बड़ी खूबसूरती से बल्ला घुमाया टांग पर। कम से बाहर गए और मिस फील्ड, 4 रन मिलेंगे। शॉर्ट बॉल, इसको भी निकाल दिया लेग साइड पे, 6 रन। शॉर्ट बॉल, इसको खेला मिडॉन के पास से, 4 रन। मुस्तफा लेग साइड पे उठा के खेला है, ये भी बाउंड्री की तरफ, एक और चौका। शॉर्ट ऑफ लेंथ और इसको उठा के खेला स्टर्लिंग के बल्ले पे, बॉल आई और वो ग्राउंड से बाहर। तो देखे लेंथ की गेंद थी और पॉल स्टर्लिंग ने कहा आ जाओ भाई मेरी साइड पे, और ये 4 और। पहले लेग ऑफ साइड की तरफ इसको उठा के खेला है गैप में मिड विकेट की तरफ, 4 रन। लेकिन इस दफा शॉर्ट बॉल और स्टर्लिंग ने पूरा फायदा उठाया, बड़ा छक्का। ओफो, पॉल स्टर्लिंग क्या बात है, थोड़ी खिंची हुई गेंद थी। ओह, ये बहुत ही बड़ा छक्का। ये चली गेंद हवा में, भाई गेंदबाज हवा में गेंद ना डाले तो क्या हुआ, बल्लेबाज तो हवा में भेज रहे गेंद को बाहर। ये देखिए आप, फिर देखिए,
कितनी आसानी से फिर भेज दिया बाउंड्री के पार, और ये काफी महंगा ओवर साबित हो रहा है शिनवारी का। छोटी ही पड़ती रहती है और छोटी पड़ती रहेगी तो यही हश्र होता रहेगा। मैच का रुख जो है बिल्कुल ही पलट गया है। शॉर्ट बॉल है, उसको लेग साइड पे बड़ा छक्का लगाया स्टर्लिंग ने। फील्डर मौजूद है, पकड़ना चाहिए, पहली विकेट मिली, टूट गई है साझेदारी। स्टर्लिंग 44 पे आउट, 88 पे एक। सीधा सर के ऊपर से बड़ा हिट, 97 पे एक। ऐसे तो नहीं मिलने वाली विकेट, पहले दो वाइड बॉल और फिर फुल टॉस। ये जब तक कप्तान है मैच निश्चित तौर पे जल्दी खत्म हो जाएगा। 114 पे एक, यही लंबी बाउंड्री के बारे में बात हो रही थी और ये लंबी बाउंड्री भी जो है वो छोटी पड़ गई, संपर्क बढ़िया था। शॉर्ट बॉल है, पूरी जान से शॉर्ट मारी है, काफी देर हवा में चली गई, ऐसा लगा एक मौके पर कि शायद ग्राउंड के अंदर ही रहेगी, लेकिन नहीं। विकेट मिली है लेकिन ये विकेट आते आते लगता है बहुत देर हो चुकी है। होल्ड कर दिया उन्होंने लिविंगस्टन को, 24 बनाए 10 बॉलों में 3 छक्के, 124 पे दो। चलिए मैच यहां पे जो है बिल्कुल एक तरफा हो गया है। और इस शॉट के साथ ये मैच भी जीत गई। नाम तो है सॉल्ट लेकिन अपनी टीम का आज मुंह मीठा करा दिया फिल सॉल्ट ने। लगातार छक्के लगा के टीम अबू धाबी को 8 विकेटों से मैच जिता दिया। इस तरह से घटा यह मुकाबला। 131 रन बनाए थे चेन्नई ब्रेव्स ने और चेन्नई ब्रेव्स के 131 रनों के जवाब में 136 रन बने 9.2 ओवर में। तो ये मुकाबला टीम आबू धाबी ने 8 विकेटों से बड़ी आसानी से जीत लिया। Abu Dhabi T10, digital sponsor Fair Play, greater odds, greater winnings, digital associate sponsor Bauer, engineered for fitness.